सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग ऑफ डेक्कन मोटर्स। सो भाई, टाइटल और थंबनेल देखे तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे आज अपन किधर जा रहे हैं। तो भाई आज अपन जा रहे ऑटो एक्सपो है अनुराग यूनिवर्सिटी में, जो गटके सर के साइड है वो कॉलेज। आज वहाँ पे जाने का है। वहाँ पे ना लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, एक से एक सुपर कार्स और एक से एक मॉडिफाइड कार्स और एक से एक विंटेज कार्स एंड उसके साथ में एक से एक क्लीन कार्स भी आ रहे गाइस आज के ऑटो एक्सपो में। कार प्लस बाइक दो भी आ रहे। खतरनाक सीन्स होने वाले आज के व्लॉग में, देखो गाइस। तो अभी मैं घर से निकला, घर से निकल के मैं यहाँ पे तारनाका पे मेरा दोस्त आ रहा पिकअप करने के लिए। हम लोग कार में जा रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज मेरी बाइक तो अभी ख़राब है बनाने का है और गटके से भी बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से हम ना सोचे कार में जाना बोल के। तो जस्ट मैं अभी तारनाका पे पहुँचने वाला हूँ, एक 5-10 मिनट में मैं तारनाका पे पहुँचने वाला हूँ। जैसे ही मैं तारनाका पे पहुँचतेगी वहाँ से हम लोग कॉन्वे है हम लोग का, एक 25 कारों का कॉन्वे है केफा ऑटोमोटिव क्लब का। तो 25 कार के कॉन्वे के साथ में जाने का है और एंट्री ना काफ़ी खतरनाक होने वाली। तो ब्लॉग को आप लोग लाइक करो एंड चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो और मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखो यार। क्या कर रहे तुम ना, ज़रा सपोर्ट दिखाओ भाई को, ठीक है। तो चलो अभी मैं डायरेक्ट दोस्त के घर पे दोस्त का वेट कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट अभी अपन वहाँ पे मिलते हैं एंड साथ में आप लोग है ना सिनेमैटिक्स को एंजॉय करो। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब दिन आ चुके हैं। ये अपनी होंडा सिटी और ये वेनम परफॉर्मेंस से स्टेज 2 ट्यून है पॉप्स एंड बैंक्स। और वहाँ पे अपनी सईद भाई की भी गोल्डन पोलो वहाँ पे रेडी हो रही पहुँच रही है। उसके पीछे यहाँ पे अपनी रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट के पीछे सो एक वाइट कलर की पोलो है, वो भी आगे बताता हूँ। एंड इधर अपनी एक सिविक रेडी है और उसके साइड में वहाँ पे भी एक ब्लू कलर की पोलो, मतलब ऑलमोस्ट 4 पोलो से एक ब्लू कलर की, एक गोल्डन कलर, एक रेड और एक अंदर वाइट एक रखी हुई है वो। एंड यहाँ पे अपनी TDI, ये एक फैबिया TDI। आज के जो सीन्स होने वाला है काफ़ी क्रेजी सीन्स होने वाला है आज के, इसलिए अब तक जो जो भी ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर लो। तो अभी अपन अनुराग यूनिवर्सिटी के लिए निकलने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइस, जस्ट अभी अपन स्टार्ट हो गया यहाँ से और अनुराग यूनिवर्सिटी अभी अपने को कितनी दूर है मानो 14 किलोमीटर है यहाँ से। अभी सबसे पहले फर्स्ट जो कार है वो वाइट कलर की पोलो है, जो मैं आप लोगों को बता दूँ बोला था, नहीं बताया। उसके पीछे गोल्डन पोलो है, देन गोल्डन पोलो के पीछे अपनी और एक पोलो है और बीच में एक सिटी है और एक सिविक है, देन उसके अंदर फैबिया है, लास्ट में रेड अलर्ट है। तो ऑलमोस्ट 10-15 कार्स जा रहे समझो यहाँ से और हम लोग एक 10-15 मिनट में पहुँच जाते हैं हम लोग यहाँ से। वहाँ पे जाने के जो सीन्स, जो एग्जॉस्ट, जो रेव्स होने वाले ना ख़तरनाक होने वाले। सो फाइनली ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सामने यूनिवर्सिटी का बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी लाइनअप में ज्वाइन होगी गाड़ी GT TSI और अपनी गोल्डन कलर की पोलो, उसके पीछे फैब, फिर उसके पीछे सिविक, देन सिविक के पीछे होंडा सिटी और उसके पीछे और एक पोलो। तो आज के सीन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाले, जस्ट वेट एंड वॉच दी होल व्लॉग, आप एंड तक देखें ना, खतरनाक मजा आने वाली। और ये प्रोजेक्ट डी है, इसकी वीडियो तो ये अलग बन रही, वही गाड़ी है पूरा अलग ही बन रही गाड़ी है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे अपन यहाँ पे। जस्ट एक 10-15 मिनट में हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में रहने वाले, अब तो वहाँ के सीन्स इन्जॉय करो। ब्लॉग को लाइक नहीं करें तो लाइक कर लो, चैनल पर नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लो। ये अपनी सिविक यहाँ पे एंड उसके पीछे अपनी बोलो GT TSI ये वाली गाड़ी और अपनी ये प्रोजेक्ट डी वाइट कलर की बोलो। भाई ये कॉम्बिनेशन है भाई, भाई क्रेजी सीन्स है आज के ब्लॉग में। एंड ये अपनी गोल्डन वाली बोलो, ये गोल्डन
मेंटेन पोलो के पीछे ब्लू पोलो, ब्लू के पीछे अपनी रेड अलर्ट, देन रेड अलर्ट के पीछे अपनी फैब, यस फैबिया है, उसके पीछे होंडा सिटी, यस होंडा सिटी आई वी टेक है, विथ स्टेज टू पॉप्स एंड बैंक है वो गाड़ी, होंडा सिटी आई वी टेक विथ स्टेज टू पॉप्स एंड बैंक, एंड उसके पीछे अपनी वी टेक राइट होंडा ई एक्स आई 1.5 ई एक्स आई है, देन उसके बीच में 800 है भाई, काफ़ी क्लोज है ये गाड़ी, काफ़ी एकदम क्लोज है। और ये देखो नॉइज़ी बॉय को देखो क्या बात। तो ऑलमोस्ट पूरे K5 के कार्स पूरे यहाँ पे क्लब ग्राउंड में आ चुके हैं, यहाँ पे सामने उधर साइड में K5 के कार्स है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पूरे बाइक से उधर, और जस्ट अभी थोड़ी देर के अंदर पूरे कार्स अपने अंदर आने वाले, उसके बाद में रेव होता, लॉर्ड पड़े होते, गुप्पा होता। देखो सिविक क्या धूम मचा रही भाई सिविक आज के ब्लॉग में, देखो सिविक में देखो भाई भाई का इंजन में तो धुआं निकल रहा है गाड़ियों में, कि क्या तबीयत लॉन्ड पने कर दे रहे। ये पर गाड़ियाँ अरेंज करने का है, गाड़ियाँ अरेंज करने के बाद में ये भाई की आवाज़ है वो जब से एकदम ऐसा दिख रहा है मैं केरला को आ गया ऐसा दिख रहा है यहाँ पे।
कुछ भी नहीं दिख रहा है। लॉर्ड वाले अब देखो, नहीं 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 सकती
फाइनली गाइस जस्ट अभी मैं पहुंचा यहाँ पे तारनाका पे, और तारनाका पे पहुंच के मैं मेरी बाइक ले लिया यहाँ से, तारनाका पे पहुंच के बाइक ले लिया, बाइक ले लेके अपन अब घर को जा रहे हैं। आज के सीन्स तो काफ़ी क्रेजी सीन्स है भाई, हाईलाइट हाईलाइट काम होगा आज के ब्लॉग में। जैसा अपना बहनूर भाई परेशान बॉय है ना, उनका निंजा ZXNR का टायर फूट गया, बर्नआउट मार रहे थे ना, दिखा आप लोग क्लिप्स में देखेंगे। तो आज का जो व्लॉग था उसमें आप लोगों को कार सबसे बेस्ट कार कौन सी थी वो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। एंड वहाँ पे जो साउंड था ना भाई, काफ़ी क्रेजी साउंड था, मेरे को था कानों का था ठंडक मिल रही थी साउंड सुन के। मतलब जो रेव के जो इंजन रेव के जो साउंड थे, नहीं इंजन रेव के साउंड काफ़ी प्यारे थे भाई वहाँ के। आखिरी ज़बरदस्त बोलते ज़बरदस्त दिखा आज का एक्सपो में, मीटअप एक्सपो में। लेकिन आप लोगों को सबसे बेस्ट पार्ट कौन था जी का व्लॉग का, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड तो चलो इसके बाद में अपन है ना अभी अगले मीटअप में, और यानी तो अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे आपसे। टिल देन बी सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।